Sri Prahlad Uvacha Kaumaram Acharet Pragna Dharman Bhagavatam Ya Durlabham Manusam Janma Tadapi Adhruvam Arthadam. Basantar To Kaumaram Acharet Pragna. Pragna Buddhiman. Pragna ka arth hai Buddhiman. Jo Buddhiman hota hai एक कुमार अवस्था से ही कुमारम आचरित कुमार अवस्था से ही आचरण प्रैक्टिस करता है किसके धर्मान भागवतामिहा इस जीवन में भागवत धर्म का आचरण बुद्धिमान मनुष्य कुमार अवस्था से ही करता है फिर से जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वो भागवत धर्म का आचरण कुमार अवस्था से करता है आगे हम देखेंगे भागवत धर्म क्या है ये जो भक्ति का धर्म भागवत धर्म दूसरी लाइन का है दुर्लभ मानुषम जन्म क्यों बाल्यावस्था से भागवत धर्म का आचरण बुद्धिमान क्यों करता है क्योंकि ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है दुर्लभम मानुषम जन्म मनुष्य जन्म दुर्लभ है तदपि अध्रुवम अर्थदम क्योंकि ये मनुष्य जन्म हमें हमारा अर्थ स्वार्थ अर्थ स्व अर्थ मनुष्य शरीर हमें हमारा स्व अर्थ हमारा स्वार्थ देने वाला है हमारा कल्याण करने वाला है हमें जिसकी आवश्यकता है वो देने वाला ये मनुष्य जीवन है इसलिए जो बुद्धिमान मनुष्य है वो कुमार अवस्था से ही ये भागवत धर्म का आचरण करता है क्यों कि मनुष्य जन्म अतिशय दुर्लभ है हमारा स्वार्थ नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु हमारी गति विष्णु है ये हमारा स्वार्थ है हमारा स्वार्थ क्या है कि मनुष्य जीवन में हमें भगवत प्रेम मिल जाए भगवान मिल जाए ये हमारा स्वार्थ है तो वो स्वार्थ देने वाला ये मनुष्य जन्म है निष्ठापूर्वक थोड़ी सी भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है पूर्ण सिद्धि का अर्थ है श्री कृष्ण का प्रेम पूर्ण सिद्धि किसे कहते हैं मनुष्य जीवन में श्री कृष्ण हमारे प्रेमी बने ये पूर्ण सिद्धि है मनुष्य जीवन की सार्थकता मनुष्य जीवन का परम चरम लक्ष्य मनुष्य जीवन का अर्थ स्वार्थ क्या है हमें किंचित थोड़ा सा भी कुछ न कुछ ज्यादा हो तो बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा भी कृष्ण का प्रेम मिल जाए तो ये मनुष्य जीवन की सार्थकता है मनुष्य जीवन का परम चरम लक्ष्य एक है दो नहीं एक है और वो है हम जिनके अंशी हैं, उनका हमें संपूर्ण तया हृदय भर के श्री कृष्ण का प्रेम हमें मिल जाए बाकी का सब कुछ धूल में मिलने वाला है कल का श्लोक बाकी का सब कुछ कहाँ मिलेगा अंते सब कुछ जीरो है बाकी का सब कुछ यहाँ छूट जाएगा शरीर शरीर के संबंधी शरीर से संबंधित कोठी एवरीथिंग एक कृष्ण प्रेम हमारे साथ जाएगा तो इनके लिए जो बुद्धिमान है वो एक कुमार अवस्था से ही ये हरि की तरह कुमार अवस्था से ही भागवत धर्म का आचरण करता है क्यों क्योंकि ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है जो हमें क्या देने वाला है हमारा अर्थ क्या अर्थ है
श्री कृष्ण प्रेम। आप सारी उम्र याद रखोगे आपका जीवन धन्य धन्य हो गया, नहीं तो आपका जीवन शून्य शून्य। धन्य या शून्य, हमें क्या चाहिए? धन्य चाहिए। तो धन्य जीवन करना है तो क्या करना होगा? कृष्ण प्रेम जागृत करना होगा। वैदिक सभ्यता तथा वेदाध्ययन का सारा उद्देश्य मनुष्य जीवन में भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना है। अतएव वैदिक प्रणाली के अनुसार जीवन के प्रारंभिक काल से ब्रह्मचर्य प्रणाली चलाई जाती है, जिससे बाल्यकाल से ही 5 वर्ष की अवस्था से मनुष्य अपने कर्मों को इस तरह मोड़े कि वह दृढ़ से भक्ति में प्रवृत्त हो सके। बाल्य काल से हमें क्या करना चाहिए? भागवत धर्म का आचरण। क्यों? ताकि हमें दृढ़ भक्ति में प्रवृत्त हो सके। बच्चे को आप जो सिखाओगे वो सीख लेगा, कर लेगा और सारी उम्र वो इम्प्रेशन उनके मगज में रहेगी। संस्कार उनको बोलते हैं, संस्कार। संस्कार का अर्थ है इम्प्रेशंस। जैसे आप कोई ये हो स्टैम्प, स्टैम्प को इंक में पैड में डालो, बाद में यहाँ डालो तो इम्प्रेशन पड़ जाएगी और वो इम्प्रेशन हमेशा रहेगी। जैसे इम्प्रेशन है प्रिंटिंग, प्रेस ने इम्प्रेशन और यहाँ, तो उसी तरह बच्चों को शुरुआत में बाल्यावस्था में अगर भक्ति की प्रैक्टिस की जाए या डाली जाए तो वो इम्प्रेशन सारी उम्र में रहती है और उन बच्चे का कल्याण होते ही रहेगा। जैसे कि भगवद गीता में 2:40 पुष्टि की गई है, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इस पद पर की गई अल्प गति भी मनुष्य को अत्यंत घातक भय से बचा सकती है। वैदिक साहित्य के निर्णयों का उल्लेख न करने के कारण आधुनिक सभ्यता मानव समाज के सदस्यों के प्रति इतनी क्रूर है कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनाने की शिक्षा न देकर माताओं को शिक्षा देती है कि जनसंख्या न बढ़ाने देने के लिए वे गर्भ में ही अपने बच्चों को मार दें, और यदि भाग्यवश बालक बच जाता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही शिक्षित किया जाता है। इस तरह धीरे धीरे सारे संसार में मानव समाज में जीवन की पूर्णता के प्रति रुचि का ह्रास हो रहा है। निसंदेह लोग सुकर कुकर की भांति जी रहे हैं और वे 84 लाख जीव योनियों में देहांतर करने की तैयारी करके अपने मनुष्य जीवन को पतित बनाते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को भक्ति करना सिखलाकर मानव समाज की सेवा करने के लिए उत्सुक है, जिससे मनुष्य पुनः पशु जीवन में न जागिरे। जैसा कि प्रहलाद महाराज पहले कह चुके हैं, भागवत धर्म में श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम निहित है। सारे स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में एवं घरों में भी सारे बच्चों तथा तरुणों को भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्हें इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे भगवद गीता के उपदेशों को सुनकर उन्हें अपने जीवन में उतारे और इस प्रकार भक्ति में सशक्त बने तथा पशु जीवन में पतित होने के भय से मुक्त हो। इस कलयुग के लिए भागवत धर्म का अनुसरण
अत्यंत सरल बना दिया गया है। मनुष्य को केवल हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने की आवश्यकता है। जो भी इस महामंत्र का कीर्तन करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और वह जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाता है। कौमारम आचरित प्राग्न धर्मान भागवताम यहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थदम अध्रुवम। कुमार बुद्धिमान मनुष्य कुमार अवस्था से ही भागवत धर्म का पालन करता है, क्योंकि मनुष्य धर्म मनुष्य जन्म बहुत बहुत रेयर है, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, क्योंकि ये मनुष्य जन्म हमारा अर्थ देने वाला है। हमारा अर्थ है श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम हमारे हृदय में संपूर्णतया जागृत करना। तो मनुष्य जन्म ये कुत्ते गधों की सुकर कुकर की तरह नहीं है। मनुष्य जन्म में बुद्धि विशेष रूप से दी गई है, सुकर कुकर को बुद्धि नहीं है, लेकिन मनुष्य को बुद्धि है। लेकिन आजकल का मनुष्य बुद्धि का दुरुपयोग करता है। भगवान ने बुद्धि हमें इसलिए दी है ताकि हम हमारे हृदय में उनका संपूर्णतया प्रेम जागृत करें, उनको हमारा प्रियतम बनाए। ये हमारे जीवन का परम चरम लक्ष्य है। लेकिन हम ये सब भूल करके छोड़ छाड़ के कुछ और दिशा में हमारा जीवन व्यतीत करते हैं, तो ये दुखद समाचार है, वेरी पथेटिक। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य जीवन हमें सबसे ऊंचा अर्थ दे सकता है और हम निम्न कक्षा के अर्थ में ये मनुष्य जीवन गवा देते हैं। मनुष्य जीवन में सब कुछ आसानी से उपलब्ध है, आसानी से, लेकिन हमने सब कुछ कड़ा बना दिया। रोटी कपड़ा मकान चींटी चिड़िया को मिलता है, गधे कुत्तों को, सुअर कुकर सुकर सबको मिलता है खान पान, उनको मेल फीमेल का संग भी है, आहार निंद्रा भय मैथुनम च सामान्य तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशुभिर नराणाम। धर्म के बिना मनुष्य पशु जैसा है, क्योंकि पशु को आहार निंद्रा भय मैथुन मिलता है, हमें भी मिलता है। हम सोफेस्टिकेटेड करते हैं, वो गलियों में या बाजारों में करते हैं खान पान सब कुछ, और हम सोफिस्टिकेटेड पेंट हाउस में करते हैं खाना सब कुछ, तो फर्क क्या है? और टेस्ट तो दोनों को एक ही आता है। ऐसा नहीं कि रोटी का टेस्ट हमें यहाँ पेंट हाउस में ज्यादा अच्छा आएगा, कुत्ता अगर रोटी खाएगा तो उनको बहुत निम्न कक्षा का टेस्ट आएगा, ऐसा नहीं है। उनको वही टेस्ट आएगा जो हमें पेंट हाउस में आएगा, तो उसे फायदा क्या? मनुष्य जीवन में विकसित बुद्धि मिली है, प्राग्न, प्राग्न का अर्थ है बुद्धिमान। ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान्ति ते, ये बुद्धि का उपयोग हमें भगवान की ओर जाने के लिए करना चाहिए। एन माम उपयान्ति, यान्ति में जाना, उपयान्ति माम मेरी ओर जाने के लिए मैं उनको बुद्धि देता हूँ, बुद्धि देता हूँ। लेकिन हम बुद्धि भगवान ने दी उनके ओर जाने के लिए, वो बुद्धि का दुरुपयोग हम करते हैं। दुरुपयोग क्या? विषय इंद्रिय तृप्ति के लिए। यहाँ कहा
इंद्रिय तृप्ति के लिए निसंदेह लोग सुकर कुकर की भांति जी रहे हैं और वे 84 लाख योनि में देहांतर करने की तैयारी करके अपने मनुष्य जीवन को पतित बनाते हैं। आगे कहा गया कि अपनी इंद्रिय तृप्ति में वो लगे रहते हैं। तो हमें बुद्धि अगर है, प्राज्ञ अगर हम बुद्धिमान हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि मैं क्या करने आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्या मुझे इंद्रिय तृप्ति भौतिक संसार से मुझे आनंद मिलेगा, क्या मुझे मिल रहा है और मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, क्या मैं शरीर हूँ, क्या मैं आत्मा हूँ, अगर शरीर नहीं हूँ अगर मैं आत्मा हूँ तो आत्मा का जीवन आध्यात्मिक कहाँ है, आत्मा का जीवन है आध्यात्मिक, वो मैं जी रहा हूँ। शरीर का जीवन शरीर भौतिक है, शरीर का जीवन भौतिक है, तो मैं आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूँ कि भौतिक जीवन जी रहा हूँ, ये प्राज्ञ ये बुद्धि है। बुद्धि ये है ए डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी, बुद्धि की परिभाषा है कि इट इज ए डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी, बुद्धि अच्छा बुरा जांचने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं। बुद्धि किसे कहते हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है उनको जांचने की शक्ति। तो क्या मुझे भौतिक जीवन से सुख मिला, ये बुद्धि लगानी चाहिए, और अगर मिला तो कितनी साल, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, ओछे वत्ते सब दुखी लेकिन सुखी हरि का दास। जो हरि का दास हरि की भक्ति करता है, किसकी भक्ति करता है, हा? जो हरि की भक्ति करता है वो ही सुखी हो सकता है, और सब दुखी। हमारे पास अनलिमिटेड पैसा हो लेकिन कल पैरालाइज शरीर हो गया या कल एक्सीडेंट हो गया, बड़े बड़े रिच, हमारे इंडिया में एक रिच फैमिली है, तो एक लौता बेटा है उनका, ताता बिरला जैसा फैमिली, आई फॉरगॉट, आदित्य उनका बेटा था, तो उनका एक्सीडेंट हो गया, क्रैश, फिनिश, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। तो ये क्षण भंगुर जीवन, और एक क्षण भंगुर जीवन से हमें ये शरीर से कोई भी सुख मिलने वाला नहीं है। चपल सुख थोड़ा मिल जाएगा बस, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर तो सबको लगा है, हम कह सकते हैं तो भक्तों को भी लगा है, नहीं गलत बात है, भक्तों को नहीं लगा है, भक्त हर पल याद रखता है और उनको याद उनकी बुद्धि में घुस गया है कि मैं आज शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मेरा न जन्म है न मृत्यु है, आयु हरति वही पुंसान उद्यान स्थान च न सब तस्यार्थ यत क्षणो नित्य उत्तम श्लोक वार्तया। जो मटेरियलिस्ट है भौतिकवादी, उनकी आयु सूर्य उदय सूर्यास्त होने पर उनकी आयु हर लेता है सूर्य, लेकिन भक्तों के नहीं हर सकता क्योंकि वो भक्ति में स्थित है। उत्तम श्लोक वार्तया, भगवान का नाम लीला गुण रूप धाम में वो स्थित हो गया, उनका न मृत्यु है न जन्म है, शरीर का मृत्यु है शरीर का जन्म है, लेकिन भक्त अपने आप को क्या समझता है, मैं क्या हूं, आत्मा हूं, और आत्मा की न मृत्यु न जन्म। तो इस स्तर पर हमें आना होगा, आध्यात्मिक स्तर पर। तो भक्त समझता है मैं कौन हूं, आत्मा, और आत्मा का न मृत्यु है न जन्म, और भक्त समझता है मैं आत्मा हूं, आत्मा सच चित आनंदमय है, आनंदमय अभ्यासात, आत्मा को सुख न है न दुख है, आत्मा को आनंद ब्लिस, हमेशा आनंद
वर्धन, आनंद न सुख है न दुख, आनंद न सुख है न दुख, आनंद एब्सोल्यूट है, आनंद का पर्यायवाची शब्द कोई नहीं। आनंद मीन्स आनंद, आनंद मीन्स कृष्ण, आनंद मीन्स आत्मा, आनंद आत्मा और कृष्ण को अलग नहीं कर सकते, एक चीज है। तो आनंद में अभ्यासात, आनंद में अभ्यासात अर्थात आत्मा आनंदमय है। तो भक्त का मृत्यु नहीं, जन्म नहीं, आध्यात्मिक स्तर पर वो हमेशा आनंद करता है। और भौतिक वादी जो लोग होते हैं उनको भौतिक चीजें इकट्ठी करनी होती है, जैसे पैसा, कोठी, सब कुछ, यू नो इट। तो इकट्ठी करो तकलीफ नहीं है, लेकिन उनको जोड़ो, सब कुछ कृष्ण का है, इसलिए सब कुछ कृष्ण के आनंद के लिए, कृष्ण के सुख के लिए, कृष्ण के भोग के लिए है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जो हम पैदा करते हैं हमारे आनंद के लिए पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं हमारे आनंद के लिए, पैसा पैदा करते हैं हमारे आनंद के लिए, किसी और को बच्चा, पैसा, कोठी हम दे देते हैं, भाई चलो ये गरीब है उनको दे दो, कोई देता है? जो वो पैदा करता है वो कहता है मेरे आनंद के लिए। तो भगवान पैदा करते हैं उनके आनंद के लिए होना चाहिए। तो भगवान ने सब कुछ, भगवान ने पैदा किया है, एवरीथिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय कृष्ण, अहम सर्वस्य प्रभु सर्व कारण कारणम, भगवान ने सब कुछ बनाया। क्यों बनाया सब कुछ भगवान ने? क्योंकि वो चीज उनके आनंद के लिए है, इसलिए बनाया। लेकिन हम क्या करते हैं, हे मेरा, हम भी भगवान के हैं, हमारा भी भगवान का है, लेकिन हम क्या करते हैं, मैं, तू और ये मेरा। तो भगवान से छीन लिया हमने और चोर बन गए मेरा करके, है उनका लेकिन क्लेम किया हमने। तो ये माया है, ये ट्रैप है, ये हमें दुख देता है। हमारा कुछ नहीं है, न शरीर, न हमारे शरीर के संबंध में, सब कुछ भगवान का। इसीलिए बुद्धिमान भक्त लोग क्या करते हैं, सब कुछ भगवान का है, भगवान के आनंद के लिए है, भगवान ने प्रोड्यूस किया है, भगवान ने इनकी रचना की है, इसलिए सब कुछ भगवान के आनंद के लिए ही है। तो भक्त उनके आनंद के लिए वो उपयोग करता है, इसलिए वो भौतिक संसार में फंसता नहीं, हमेशा मुक्त रहता है, फंसता नहीं। तो कौमारम आचरित प्राग्न धर्मान भागवतम, यह कुमार अवस्था से ही बुद्धिमान मनुष्य भागवत धर्म का आचरण करता है। क्योंकि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इतना ही नहीं है, मनुष्य जन्म, मनुष्य शरीर हमें हमारा अर्थ दे सकता है, हमारा कल्याण कर सकता है, हमें भगवान दे सकते, भगवान का प्रेम दे सकता है। इसलिए एक पल भी, मनुष्य जीवन की एक पल भी गंवानी नहीं चाहिए। अगर एक पल भी नहीं गंवानी है तो प्रभुपाद जी कहते हैं अव्यर्थ कालत्वम, काल को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। नाम गाने सदा रुचि, तो समय बिगाड़ना नहीं है, तो क्या करना होगा, नाम गाने सदा रुचि, हमेशा श्री कृष्ण का नाम गान करते रहो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नाम गाने सदा रुचि। तो हमारा जीवन व्यर्थ नहीं होगा, हमारा समय व्यर्थ नहीं होगा, और जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो हमारे हृदय में श्री कृष्ण भगवान का शुद्ध प्रेम जागृत होगा। जो जिनकी सेवा करता है उनका प्रेम पाता है। तो भगवान का नाम और भगवान अलग नहीं है, इसलिए भगवान के नाम की सेवा भगवान की सेवा है। तो हम जब भगवान के नाम की सेवा, मतलब उच्चारण, ये नाम के मुख से
और जीभ से सेवा है। भगवान का नाम का उच्चारण ये भगवान के नाम की सेवा है। तो भगवान के नाम की हम सेवा करेंगे तो हमें भगवान के नाम में प्रीति, भगवान का नाम हमें प्रेम करेगा। कुत्ते की सेवा करते हैं हम तो कुत्ता हमें क्या करता है, प्रेम करता है, है ना। बच्चे की सेवा करती है माँ तो बच्चा किससे प्यार करता है, उसी तरह हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो कृष्ण हमें क्या करेंगे। सिंपल है ना, कोई वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं आखिरी परपोट में, हरेर नाम एव कलो नास्ते एव नास्ते। कोई अन्य गति नहीं है, भगवान का नाम एक बार ऐसे, भगवान का नाम 9 बार कहा है एक श्लोक में, हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ति एव गतिर अन्यथा, 9 बार एक श्लोक में। कलयुग में भगवान का नाम ही एकमात्र भगवान की सेवा है, तो उन नाम का सेवन करना चाहिए तो हमें क्या मिलेगा, भगवान का प्रेम मिलेगा। और ये भगवान का प्रेम ही हमारे जीवन का परम चरम लक्ष्य है। 16 माला डे, हर रोज कम से कम 16 माला करनी चाहिए। आप कहोगे कि आप हर रोज हमेश हर भक्त इस्कॉन में हर पुस्तक में हर श्लोक में हरे कृष्ण मंत्र करो, लेकिन हम आपको छल कपट करना नहीं चाहते, हम आपको सही बात बताना चाहते हैं, सही बात, सरल, सही, सरल एंड सर्वोत्तम, वो है हरे कृष्ण मंत्र 24 घंटा। अगर 24 घंटा ना हो तो 16 माला, लेकिन यही बात घूम घूम के आएगी, क्योंकि शास्त्रों में इस काल के लिए कलयुग के लिए ये भगवान के नाम का एकमात्र इलाज है। और उन नाम को कौन से, किम नाम इति, कौन से वो नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, कौन से वो नाम है, ब्रह्मा कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कलीय संतरण उपनिषद ये काल का जो उपनिषद है, जो वेद है, ये काल का वेद, उसमें ये काल के लिए यही भगवत प्राप्ति का एकमात्र इलाज बताया है, भगवान के नाम का रटन, हरे कृष्ण मंत्र का रटन 16 माला। तो इसलिए ये करना ही होगा, ये भागवत धर्म है। भागवत धर्म का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम संपूर्णतया हमारे हृदय में जागृत करना। उसके लिए जो भी हम करें उनको भागवत धर्म कहते हैं। जो भी एक काल का इलाज है वो हम करें उनको भागवत धर्म कहते हैं। कलयुग का धर्म है कली कालेर धर्म हरि नाम संकीर्तन। कली कालेर धर्म, कलयुग का धर्म, युग धर्म क्या है, हरि नाम संकीर्तन 16 माला डे। तो ये 16 माला से हमें भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त होगा जो हमारे जीवन का परम चरम लक्ष्य है। तो जो बुद्धिमान मनुष्य है वो कुमार अवस्था से ही भागवत धर्म का आचरण करेगा। क्यों कि ये मनुष्य जन्म अतिशय दुर्लभ है, जो हमें क्या देने वाला है, हमारे अर्थ देने वाला है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को हर रोज भगवत नाम हरे कृष्ण मंत्र की 16 माला करनी ही चाहिए। ये हमारे जीवन का एकमात्र स्वार्थ है। भगवत प्रेम किसको चाहिए, सबको चाहिए। तो 16 माला कौन करेगा, 16 माला कौन करेगा, मुफ्त में चाहिए।
ठीक है, लेकिन 16 माला करो हरे कृष्ण। तो सब धर्मान बुद्धिमान, बुद्धिमान मनुष्य ये कलयुग में कितनी माला करेगा और प्रभुपाद जी का आत्मसात करेगा, प्रभुपाद जी को जीवन में अपना लेगा तो जीवन धन्य, नहीं तो जीवन शून्य। तो 16 माला करो। कोई सवाल किसी को, एनी क्वेश्चन? स्थूल शरीर तो बाहर का जो रहता है और सूक्ष्म शरीर होता है जो मन बुद्धि और अहंकार, तो गुरु महाराज बताएंगे कि अहंकार क्या चीज होता है? मन समझ में आ रहा है, बुद्धि समझ में आ रही है, अहंकार क्या होता है? अहंकार, अहंकार का अर्थ है अहम, अहम, अहम मीन्स मैं, अहम, अहंकार मीन्स उच्चार, उच्चारण, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं और मेरा, मैं बड़ा पैसादार, मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं बिजनेसमैन, मैं कोठी वाला, जिनकी बीवी बड़ी उनका बड़ा नाम है, बड़ी बीवी वाला, बड़ा पति वाली वगैरह, मैं। तो ये अहंकार, मैं और मेरा, इसको अहंकार, और ये सटल है, सटल अहंकार आवरण है, जैसे शरीर हमारे ऊपर आवरण है उसी तरह ये आत्मा के ऊपर एक आवरण है, अहम आवरण, अहम का आवरण, अहम मैं मेरा मेरा मेरा, ये आवरण है, उनको अहंकार कहते हैं। मन बुद्धि अहंकार तीनों से जब ऊपर होते हैं तभी जाकर भगवत धाम को प्राप्त होते हैं, जैसे ध्रुव महाराज ने तीनों को क्या वो किया तभी जाकर उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त किया। तो मन बुद्धि अहंकार से भी ऊपर जाते हैं तब जाके सत्व को प्राप्त करते, शुद्ध सत्व को प्राप्त किया, और उनका इलाज है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो हम ये सब अहंकार के परे हो जाएंगे और अहंकार का उल्टा हो जाएगा, अहंकार का उल्टा है अहम, अहम ब्रह्मास्मि, अहंकार का उल्टा है कृष्ण तवास्मि, मैं तेरा हूँ, मेरा तेरा है, अहंकार मिट जाएगा। जैसे हम अहंकार को मिटाना है तो प्रभुपाद जी ये कहते हैं, प्रभुपाद जी वो नहीं, मैं ये कहता हूँ, मैं वो कहता हूँ, उसके बावजूद हम क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी, गीता ये कहती है, भागवत ये कहता है, मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ, अहंकार हो जाएगा। लेकिन भगवत गीता कहती है, प्रभुपाद जी कहते हैं, और प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे गुरु महाराज जी ऐसा कहते हैं, तो ये अहंकार मिटिगेट हो गया। तो ऐसे अहम ममत्व अहंकार उनको छोड़ना है, विसंते तद अनंतरम, और हमें ऊपर उठना है। तो ये अहंकार के बदले तेरा कृष्ण तवास्मी, कृष्ण का, कृष्ण का, कृष्ण का, तो अहंकार मिट जाएगा। हरे कृष्ण।